हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं एक और नई रेसिपी लेकर सुधा रसोई में। सुधा रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आइए बनाते हैं इतने बढ़िया कुरकुरे ये स्नैक्स जो है साउथ इंडियन स्टाइल चने की दाल के वड़े। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक चम्मच यहाँ पे मैंने सूखा धनिया लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। इनका हल्का सा सीलन पर उतारने के लिए मैं इनको सिम गैस पे भून लेती हूँ। इनको बिल्कुल सिम गैस पे भूनना, याद रखिए मसाले जो हैं इनको जलाना नहीं है, ना इनकी खुशबू मुझे बिल्कुल गायब करनी है, इसलिए मेरे को बिल्कुल हल्का सा भूनना है, रोस्ट करना है, जिससे कि इनको पीसने में आसानी हो। अब इसको मैं दरदरा कूट लूँगी। यहाँ पे बिल्कुल बारीक नहीं करना, क्योंकि मसाले जब इस वड़े के अंदर आएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेंगे। तो आइए अब पेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कटोरी चने की दाल। ये जो चने की दाल है मैंने यहाँ पे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रखी है। उसी तरह से अब मैंने यहाँ पे धुली उड़द की दाल ली है, उसको भी मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इनका एक मेरे को पेस्ट बनाना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना और बिल्कुल सूखा सूखा सा पेस्ट बनाना है, दरदरा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ी चने की दाल है वो बचा ली थी, उसके ऊपर से मैं यहाँ पे जो पेस्ट है उसके अंदर ये चने की दाल डालूंगी, क्योंकि जो वड़े हैं ये चने की दाल के हैं, तो इसके अंदर जो साबुत चने की दाल है उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग ही आता है। मसालों के अंदर यहाँ पे मैंने जो पिसा मसाला था, थोड़ा सा भुना हुआ जो था वो डाला है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला है, फ्रेश कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ते से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया और निखर कर आता है। और मिर्च के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो पेस्ट बनाया है उसमें हरी मिर्च डालती है, तो बस मैं यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और नमक जो है मैंने सबसे लास्ट में डाला है, यहाँ पे आधी चम्मच मैंने नमक लिया है और बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। कटे हुए प्याज से भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। याद रखिए, जब भी आप इसका पेस्ट बनाएं पानी बिल्कुल ऐड मत करें, क्योंकि पानी से क्या होगा, वड़ों की जो शेप है वो प्रॉपर नहीं आएगी और वड़े जो हैं वो करारे नहीं बनेंगे। तो अब इस तरह से देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने हाथों पे पानी लगाया है और पानी लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो है इन वड़ों को गोल गोल करके नॉर्मल तरीके से इनको बना लूँगी। हाथ से ही बनाने हैं ये वड़े, इसमें छेद ये जैसे जो उड़द की दाल के वड़े बनते हैं उसके बीच में छेद करते हैं, मगर ये चने की दाल के वड़े हैं साउथ इंडियन स्टाइल, तो इसमें छेद करने की नीड नहीं है। जैसे हमारे टिक्की का शेप होता है बिल्कुल उसी तरह से मैं ये वड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह से सारे के सारे वड़े जो हैं इनको रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पैन में, जब तक मैंने यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, ये देखिए मेरे वड़े एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ। याद रखिए, जो तेल है उसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, लो और मीडियम फ्लेम पे ही मैं रखूंगी। डालते टाइम मैं इसको मीडियम फ्लेम पे रखूंगी। जैसे ही एक तरफ से हल्के से ब्राउन से होने लग जाएंगे, इनको मैं पलट कर फिर दूसरी तरफ से सेक लूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे ही मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। अगर आप इनको तेज फ्लेम पे करेंगे तो वड़े जो है ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो याद रखिए, जब भी आप कुछ बनाते हैं, पकौड़े भी या नॉर्मल वड़े भी बनाते हैं, तो उसको मीडियम फ्लेम पे रखें या लो फ्लेम पे रखें, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से जो है कच्चे ना रहें और अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैं अब इन वड़ों को पलट लेती हूँ। ये देखिए, एक तरफ से हल्की सी ब्राउन कोटिंग आने लग गई है। अब मैं अच्छी तरह से, जब तक ये पूरी तरह से ब्राउन नहीं हो जाते, इनको मैं पकाती हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब आप दाल पीसेंगे तो उसको धीरे धीरे करके पीसना है, एक साथ नहीं पीसना, क्योंकि दाल जो है इसमें पानी नहीं डाल रहे हम लोग पेस्ट के अंदर, तो दाल जो है मिक्सी के साइड में चिपक जाती है। तो जैसे ही आप हल्का हल्का करके पीसेंगे, फिर ढक्कन खोल के चम्मच से उसको वापस, जो मिक्सी के साइड में दाल लग जाती है उसको हटाइए, फिर वापस उसको पीसिए। धीरे धीरे करके आप पीसेंगे तो दाल जो है वो अच्छी तरह से पिसकर तैयार होगी। याद रखिए, दाल को बिल्कुल बारीक नहीं करना, इसको हमें दरदरा रखना है, तभी वड़ों में मज़ा आएगा। ये देखिए, मेरा एक बैच बनकर एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये वड़े। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिए। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये देखिए, मेरे वड़े बनकर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हैं। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसी तरह से मैं जो सेकंड बैच है उसको भी धीरे धीरे करके तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। तेल को, याद रखिए, एकदम मीडियम गैस पे रखना है, तेज़ नहीं रखना।
तेज रखेंगे तो ऊपर से जो है बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन बड़ों को तलने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे पकाइए। एक बार में 5 से 6 बड़े आराम से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। ये एक इतना बढ़िया नाश्ता है और इवनिंग स्नैक भी है। आप एक बार बनाकर जरूर देखें, देखना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और इन बड़ों को तलते समय मैं बार बार पलट पलट कर पका रही हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिककर तैयार हो जाए। ये देखिए मेरा सेकंड बैच इन बड़ों का भी तैयार हो गया है। मैंने जो पेस्ट बनाया था उससे मेरे 9 बड़े बनकर तैयार हुए हैं। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो उस हिसाब से आप दाल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप यहाँ पे मैंने चने की दाल ली थी और उससे बिल्कुल थोड़ी सी कम मैंने उड़द की दाल ली थी। आपको जितने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप उड़द दालों की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए मेरा जो सेकंड बैच है वो भी एकदम बढ़कर तैयार हो गया है। तो ये मेरे बड़े एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गए हैं। इनके साथ करी है मैंने सब 2 तरह की चटनी। एक है कोकोनट की चटनी, नारियल की चटनी, और एक है यहाँ पे ग्रीन चटनी पुदीना और हरे धनिया से बनी। देखिए अंदर से कितने बढ़िया हैं, कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से उतने ही क्रंची। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं मेरे चने की दाल के साउथ इंडियन स्टाइल स्पेशल वड़े। तो आइए मिलते हैं अब अगली वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।